केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने नोटबंदी का विरोध करते हुए 700 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। केंद्र सरकार के नोटबंदी के विरोध में यह मानव श्रृंखला यहां के राजभवन से कासरगोड तक बनाई गई। इस श्रृंखला में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा के लोकसभा सदस्य पी करुणाकरण भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख लोगों ने इस मानव श्रृंखला में भाग लिया था। इस दौरान नोटबंदी को लेकर मानव श्रृंखला में एक संकल्प पढ़ा गया जिसे सब ने दोहराया। इसके बाद माकपा के प्रदेश सचिव कोडियेरी बालकृष्णन ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। पीएम मोदी के इस तुगलकी फरमान से हर क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नोटबंदी की सरकारी मियाद आज खत्म हो रही है। विपक्ष का दावा है कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। इसके विरोध स्वरूप ही केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाई और सरकार पर जोरदार हमला बोला। देखते रहिए डीबी लाइव।